हेलो जी यार, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हो चुका है, ऋतु वाला, ऋतु चंद्र है ना, तो इसका सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। और क्या चीज़ कह रखी है उसको आपको देखना है और समझना है। जैसे इसमें कहा गया है कि टू वुमेन एंड फाइव मैन कैन टुगेदर फिनिश द एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days, वाइल 3 वुमेन्स एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। फाइंड द टाइम टेकन बाई 1 मैन एंड 1 वुमेन अलोन, ऐसा कुछ कह रखा है। तो भैया सॉरी, तो जो टाइम एंड वर्क होता है इसमें क्या होता है, हम लोग, आप लोगों ने पहले भी शायद थोड़ा किया होगा, है ना। तो टाइम एंड वर्क जो होता है उसमें हम 1 day work, 1 hour work इस तरीके की बातें करते हैं। और उसमें निकालते क्या हैं कि जैसे 5 दिन में किसी कोई काम पूरा कर रहा है, कोई चीज़ जो है, कोई टास्क जो है वो 5 दिन में किसी के थ्रू पूरी हो रही है, तो उसका 1 दिन का काम जो है वो क्या होगा, 1/that much हो जाएगा। यानी जितने दिन में वो काम कर रहा है 1/ हो जाएगा। तो ऐसे ही कुछ यहाँ समझना है और इसको करना है हमको। जैसे क्या हो रहा है कि हमने मान लिया कि भाई एक आदमी तो लेट 1 man कैन, है ना, फिनिश द वर्क, 1 man कैन फिनिश द वर्क इन एक्स डेज, कहते हैं, है ना। 1 woman, है ना, 1 woman can वही finish the work in y, ये वही है, ये डेज है, जाना है ना डेज। तो यार इनका 1 day work जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 1 day work ऑफ मैन वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/x days, ठीक है ना। और इसी तरीके से 1 day work ऑफ वुमेन, है ना, ये हो जाएगा 1/y days, ठीक। अब वो कह जा रहे हैं कि 2 दिन, 2 women and 5 men, तो भैया देखो 2 women तो मान लो 2 लोग हैं, अगर 2 लोग हैं तब क्या हो जाएगा कि जब 2 लोग होंगे तो ये लिख देते हैं, तो 2 लोग होंगे तो क्या हो जाएगा, 2 women वर्क, है ना, ये 2 women 1 day work है, 1 day work, ये क्या हो जाएगा, 2/woman का वाई कहा था, ये हो गया। और दूसरा कितना है, 5 men, तो 5 men 1 day work
दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है, ऐसा हो गया। अब जो सिचुएशन बन रही है उनको प्लॉट करना है। जैसे वो कह रहे हैं भैया, वो कह रहे हैं कि दे फिनिश द वर्क इन 4 डेज, तो ध्यान दो, तो एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो दोनों मिलकर काम कितना करेंगे, क्योंकि तो यहां पर बात हो रही है इतना, तो इसका मतलब यह है 1 day work है ना, मैन प्लस वुमेन है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 लोग मतलब 2 औरतें और 5 आदमी हैं, अगर वो उसको करेंगे तो कितना करेंगे, 2 अपॉन पहले का टीच लेते ज्यादा अच्छा है, 5 अपॉन x प्लस 2 अपॉन y, ठीक है, ऐसा हो गया। तो ये कितने दिन में कर रहे हैं, ये कर रहे हैं 4 दिन में कर रहे हैं, तो भैया ध्यान रखना, तो ये 1 अपॉन 4, क्योंकि टोटल यानी एक दिन में ये दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इतने टाइम में करेंगे, है ना, जितना भी टाइम दे रखा है 1 अपॉन उतना। इसी तरीके से ये हो गया मतलब केस 1, केस 1 की बात है। अब केस 2 की बात अगर जब करें तो क्या हो रहा है, फिर वही बात, 1 day work है ना, फिर मैन एंड प्लस वुमेन, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब क्या कह रहे थे भैया, कितने लोग, कितने लोग थे, फिर 3 women and 6 men, ध्यान दीजिए, तो हमने चूंकि मैन पहले ले रखा है, तो 6 है ना, 6 upon x plus 3 upon y इक्वल टू कितने दिन में कर रहे थे, जीरो ये कर रहे हैं इन 3 दिन, चलो भैया 3 दिन, तो यानी 1 upon 3, इसको इक्वेशन 1 डाल दो और इसको इक्वेशन 2 डाल दो, इसी को हमको सॉल्व करना है, ठीक, तो ऊपर वाला मिटाते हैं भाई, तभी काम चलेगा यार, तो यहाँ से काट रहे हैं, जो भी आप ठीक। अब क्या हो रहा है भाई, इन दोनों को सॉल्व करना है, तो 5 ध्यान दीजिए, यहाँ यार एक चीज और भी है थोड़ा सा, अगर चाहो तो वैसे कर लो, नहीं तो ऐसे ही कर लो, बहुत ही अच्छी बात है, तो आपके पास इक्वेशन है by equation 1 and 2, ठीक है, तो भैया पहली इक्वेशन है आपके पास 5 upon x प्लस 2 upon y इक्वल टू 1 upon 4, इसको लिख लेते हैं, नीचे वाला हटा देते हैं तो आगे मोमेंट अच्छा रहेगा। फिर दूसरी इक्वेशन है कितनी है, 6 upon x plus 3 upon y इक्वल टू 1 upon 3,
अब यार इनको बराबर करना है, तो कैसे बराबर किया जाए? एलिमिनेशन से हम इसको उड़ाएंगे। तो ऐसा क्या किया जाए, कैसे काम क्या किया जाए कि दोनों कोई बराबर हो जाए, बताओ। तो हम तो इसको इसको अगर हम बराबर कर लें, एक तो तरीका यह है कि वन अपॉन लेट वन अपॉन एक्स इक्वल टू यू वन अपॉन वाई इक्वल टू ऐसे कुछ मान लें, और एक अगर ऐसे कैपेबल हो तो ऐसे कर लो, ठीक है। तो अब हमको जैसे सॉल्व करना है इसको, तो इन दोनों को बराबर करना है, ध्यान दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं, इसी में जैसे इसको दो से और इसको तीन से मल्टीप्लाई करके रहे, तो जैसे ही इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये छह बन जाएगा और ये यहां छह बन जाएगा, बात क्लियर होगी। तो भैया कुछ ऐसे करने आ रहे हैं, तो जब आपने मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 15 अपॉन एक्स प्लस 6 अपॉन वाई इक्वल टू 3 अपॉन 4, ठीक है ना, ऐसी बात क्लियर हो गई। हाँ, फिर क्या हुआ भाई, दूसरी इक्वेशन तो ये तो ऐसी ही आ गई है, अब इसको लेके आओ, इसको लेके आओ नीचे, तो क्या हो रहा है कि ध्यान रखना ये पूरी इक्वेशन से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसको मतलब गलती ना करना है ना, ये ऐसे है मल्टीप्लिकेशन 2 से और ये 3 से। तो भैया इसको नीचे लाओ तो ये हो जाएगा 12 अपॉन एक्स है ना, और यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान दो, ये 3 से तो 10 6 अपॉन वाई इक्वल टू ये 2 अपॉन 3 हो गया, ठीक। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन, इसको आप इक्वेशन मानिए थर्ड और दिस इज फोर्थ, ठीक। अब इन्हीं दो इक्वेशन को सॉल्व कर दो, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो, तो सॉल्विंग क्या है, एक जैसे साइन है माइनस करना पड़ेगा, माइनस करेंगे तो साइन नीचे बदलेंगे, तो बदल देते हैं ऐसा, इसको हटाओ, ये हट गया भाई। देखो यार बाहर रोड जा रही है, थोड़ी बहुत आवाज़ें आएंगी, आपको सारा दिमाग इधर ही लगाना है, कम टू द पॉइंट। ये हमने काट दिया, अब इसको ध्यान रखना लिखते समय बहुत अच्छा तरीके से लिखना। तो भैया ये कैसे से इसे लिखा जाए, तो 15 अपॉन एक्स है ना माइनस 12 अपॉन एक्स इक्वल टू यहाँ भी वैसे ही यानी 3 अपॉन 4 माइनस 2 अपॉन 3, ठीक। तो इसको यार सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में एक ही है तो सीधे सीधे 3 अपॉन एक्स हो जाएगा, और यहां जो सॉल्विंग होगी ये कितना हुआ, अगर 12 हो जाएगा एलसीएम, 12 एलसीएम हो गया, ठीक। ये अब ध्यान दो, ये इससे कटा 3 आया, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई मतलब 9, ये इससे कटा 4 आया, 4 से ऊपर मल्टीप्लाई मतलब 8, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास आ रहा है 3 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 12, ठीक। एक्स को उधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, इसको इधर, तो ये हो गया भैया 36 इक्वल टू एक्स,
अब ये 36 हमने किसको माना था? हमने माना था मैन, है ना, यानी 36 डेज लगेंगे अकेले किसी मैन को कंप्लीट करने के लिए। अब इसी तरीके से इसी पे इधर आ जाओ, इसी में वैल्यू रख दो चाहो तो, इसी में वैल्यू रख दो, है ना, ये इसमें नहीं यार बनेगा, इसमें यार रख सकते हैं कि हाँ भाई रही नहीं तो रखें कैसे, तो भैया इसमें ऊपर वाले में रख लें, इसमें इसी वाले में जिसमें बताओ रख लें, इसमें रख लो तो यहीं रख लेते हैं, ध्यान दो इसको हम रख रहे हैं वैल्यू। तो 5 अपॉन एक्स, ठीक है ना, प्लस 2 अपॉन वाई, यार यही वैल्यू रख देते हैं, है ना, वाई वैल्यू निकालनी तो ये हो गया 36, है ना, इक्वल टू कितना दिया 1/4, ये तो बात है, इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर लाओ इसको उधर ले लो, तो 5/36 -1/4 इक्वल टू 2/ माइनस का, क्योंकि उधर चला गया ना, तो भैया इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए 36, अरे भैया गला खराब, थोड़ा खांसी तो आ गया, देखो तो ये, तो ये तो बात क्लियर होती है, जब कभी डिनोमिनेटर यानी मान लो एलसीएम जैसे ऐसे नहीं समझ आ रहा है, तो जो बड़ा है और डिविजिबल है अगर आप तो बड़े वाला ही जो है उसका एलसीएम, ठीक, तो भैया ये हो गया, तो ये तो हो गया 5 है जो थे, मगर यहाँ हो गया 9 × 36, है ना, 9 × 36 यानी 9 इक्वल टू 2/y, वो भी माइनस का, ध्यान रखना गलती ना हो, थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, नहीं तो हाउस वॉश हो जाएगा भैया, ये हटाओ इसको, तो इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो गया -4, देखो ध्यान दो -4/36, है ना, इक्वल टू -2/y, ये माइनस उड़ाओ और इससे ये दो उड़ा दो, ठीक है, तो इससे इसको उड़ा दो, ठीक है ना, तो भाई क्या हो गया कि y इक्वल टू 18, तो y इक्वल टू 18 डेज, है ना, इट मीन्स वुमेन्स आर टेकिंग ओनली 18 डेज व्हाइल मेंस आर टेकिंग 36 डेज, है ना, यार लियो यहाँ तो यहाँ भी समस्या है, यहाँ भी जो है औरतों ने आदमी को पीछे कर दिया, दिस इज मॉडर्न एरा ना, लो कैसे कह सकते हो कि ये लोग काम नहीं कर सकते हैं, है ना, देखो हो गया, तो भैया इस तरीके से अब चला चेक कर लिया जाए भैया आंसर क्या आ रहा है, तो आंसर चेक कर लेते हैं, ये क्वेश्चन था आपका सेकंड का, क्वेश्चन 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2, है ना, तो क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा तो भैया यहाँ देख लो जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, अब ये भाई अलग बात है कि इन्होंने कुछ तोड़ दिए, अब तुम क्वेश्चन पाओगे कैसे हम मान लें तो हम तुमको दिखाएंगे भी कैसे, देखो हुआ आंसर भी दिखा देंगे, देखो भैया तो ये है आपका 3 point, ठीक है, अब देखो इसमें क्या कर रहे हैं, इसको पढ़ो पूरा, है ना,
इसको पढ़ो, इसमें देखो हम पढ़ देते हैं, एन फिर एन इज द नंबर, एन इतना था ना, फिर वन वुमेन है ना, देखो वन वुमेन, वन वुमेन एंड वन मैन कैन कंप्लीट द वर्क इन इतना, यानी पहले वुमेन और बाद में मैन। तो यार इस तरीके से क्वेश्चन एक्चुअली मेरा दिखाने का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप अगर परफेक्टली करेंगे कोई कैलकुलेशन सही, कॉन्सेप्ट सही, तो आंसर तो कोई माइकल आर रोके नहीं सकता है। हाँ नहीं रोक सकता है, अगर आपके अंदर मजबूती है तो यार तुमको सफल होने कौन रोक सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, बस मजबूती होनी चाहिए अंदर, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया और आप इसको जो है बहुत ढंग से है ना करिए और समझिए, ठीक है। बाकी कोई प्रॉब्लम है तो भैया कमेंट बॉक्स, जिंदाबाद, बताओ प्रॉब्लम होगी मैं बताऊंगा, ठीक है। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा, अब देखो यार हमने यहाँ पर क्या किया, माना नहीं है, जैसे क्या होता है कि ये मान लेते हैं कि अगर तुमको असुविधा लग रही है तो मान के करना, ठीक है। हमने तो तुमको ऐसे सीधे सीधे बताया क्योंकि फिर हम क्या करते, ये मानते फिर उसके बाद नई इक्वेशन बनाते और फिर एलिमिनेट कर मतलब उसको सॉल्व करते, तो हमने सीधे सीधे इसको काटा। थैंक यू।